गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डू एक्सरसाइज नंबर 3.1। वेयर कलर कीजिए, सूत्र है एकाधिकेन कुमेन प्लस परमित्र अन। तो हमने क्या करना है, वेयर कलर का मतलब घटाना, इनको हमें माइनस करना। तो देखिए कैसे करेंगे। परमित्र, परमित्र क्या होता है, पहले हम इसकी परिभाषा याद करेंगे। जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे एक दूसरे के परमित्र अंक कहलाते हैं। देखिए जैसे दो अंक 1 और 9, 1 और 9 कितने हुए 10, 2 और 8 10, 3 7 10, 4 और 6 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10। देखिए जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे अंक एक दूसरे के परमित्र अंक कहलाते हैं। जैसे 1 और 9 10 हुए तो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के परमित्र अंक है। 1 का परमित्र अंक क्या है 9 और 9 का है 1। इसी तरह नेक्स्ट देखिए 2 और 8, 2 और 8 क्या होते हैं 10, तो 2 का परमित्र अंक क्या हुआ 8 और 8 का परमित्र अंक है 2। तो इस तरह से ये एक दूसरे के परमित्र अंक हैं। तब देखिए 100 माइनस करना है 54। अब देखिए यहाँ 0 में से हम 4 माइनस करेंगे, कैसे करेंगे माइनस। अब ऊपर क्या है 0 और यहाँ पर है 4। अब 4 0 से माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 4 का परमित्र अंक लेंगे। तो 4 का परमित्र अंक क्या है, देखिए 6 है यहाँ। तो अब क्या करेंगे 6 को ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, तो 0 में 6 ऐड करेंगे क्या होगा 6। अब देखिए हमने परमित्र अंक लिया है, अब क्या करेंगे एकाधिकेन कुमेन। तो क्या करेंगे, जहां भी हम परमित्र अंक लेंगे उससे आगे वाले डिजिट पर एक चिन्ह का निशान लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ परमित्र अंक लिया तो क्या करेंगे 5 के ऊपर एक चिन्ह लगाएंगे, इसको बोलते हैं एकाधिकेन। क्या बोलते हैं एकाधिकेन, और इसको 1 काउंट करेंगे। अब क्या करेंगे 0 में से 5 ये हुए और 1 ये 6। अब 0 में से 6 माइनस करेंगे, नहीं होगा क्योंकि 0 और 6 है। तो क्या करेंगे 6 का परमित्र अंक लेंगे। अब देखिए 6 का हाथ पर ये रहा, अब 6 का परमित्र अंक क्या है 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमने परमित्र अंक लिया है तो हम क्या करेंगे एक आगे एकाधिकेन का चिन्ह लगा लेंगे। अब इसको 1 काउंट करेंगे और 1 ये है, 1 में से 1 माइनस किया 0, तुम्हारा आंसर आया 46। तो इस तरह से ये सम करते हैं। नेक्स्ट देखिए 0 में से 9 माइनस करेंगे, नहीं होगा ये कम और ये ज्यादा, तो 9 का परमित्र अंक लेंगे। 9 का यहां पर इसमें ये रहा, 9 का परमित्र अंक क्या है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। अब हमने परमित्र अंक लिया है तो परमित्र अंक जब भी ले गया तो उससे आगे वाले चिन्ह पर एकाधिक डिजिट पर एकाधिक अंक का चिन्ह लग जाएगा और इसको 1 काउंट किया जाएगा। अब देखिए 0 में 1 ऐड किया 1, अब 0 में से 1 माइनस करेंगे नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम जो 1 है 1 का परमित्र अंक देंगे। यहाँ पर देखिए क्या है 1 का परमित्र अंक 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। हमने परमित्र अंक लिया है तो उससे आगे वाले डिजिट पर एकाधिकेन, 3 और 1 4, ये जिस चिन्ह को डिजिट को लगेगा चिन्ह एकाधिकेन वो उसी डिजिट में ऐड होगा, 3 और 1 4। अब 5 में से 4 माइनस किए 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0 में से 3 माइनस नहीं होंगे, वही काम करेंगे हम। 3 यहां पर है, हमने आगे वाले देख रहे हैं और 3 का परमित्र अंक क्या 7, यहां पर क्या आ जाएगा 7। परमित्र अंक लिया है तो क्या करेंगे आगे वाले डिजिट पर एकाधिकेन का चिन्ह लगा देंगे, 6 और 1 7। अब 7 को 0 से माइनस करेंगे नहीं होगा, तो क्या करेंगे 7 का परमित्र अंक लेंगे, इसमें 7 का आपका है यहां, तो 7 का परमित्र अंक क्या है
थ्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा थ्री। तुमने परम की तरफ लिया है तो क्या करेंगे इस पर एकाधिक केन का छेद। अब देखिए टू और वन थ्री, अब एट में से थ्री माइनस करेंगे कितने रह जाएंगे फाइव, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फोर है यहाँ पर एट, फोर में से एट माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे एट का परमित्रण करेंगे। एट का परमित्रण क्या है टू, एट और टू टेन होते हैं ना, तो एट का परमित्रण हुआ टू। अब टू को क्या करेंगे ऊपर वाले में ऐड कर देंगे तो फोर और टू कितने हुए सिक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्स। अब देखिए हमने यहाँ पर परमित्रण किया तो अगर वाले डिजिट पर एकाधिक है, अब जीरो और वन कितने हुए वन, अब इसमें से माइनस करेंगे नहीं होगा तो क्या करेंगे वन का परमित्रण लेंगे तो वन का परमित्रण क्या है नाइन, तो यहाँ पर आ जाएगा नाइन। एकाधिक किया तो परमित्रण किया है तो क्या होगा आगे वाला डिजिट पर एकाधिक है। सिक्स और वन सेवन, अब नाइन में से सेवन माइनस हो जाएंगे हो जाएंगे तो नाइन में से सेवन माइनस किए टू, तो यहाँ पर टू आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए थ्री में से फाइव माइनस करेंगे नहीं होगा, फाइव का परमित्रण लेंगे, फाइव का परमित्रण क्या है फाइव, तो फाइव को क्या करेंगे ऊपर वाले डिजिट में ऐड कर देंगे। फाइव और थ्री कितने हो जाएंगे एट, तो यहाँ पर एट आ जाएगा। हमने यहाँ पर परमित्रण किया है तो यहाँ पर एक अधिक है। सेवन और वन एट, एट को फोर में से माइनस करेंगे नहीं होगा तो क्या करेंगे एट का परमित्रांक लेंगे, तो एट का परमित्रांक क्या है टू। अब टू को क्या करेंगे ऊपर वाले में ऐड कर देंगे, फोर और टू कितने हुए सिक्स, तो सिक्स यहाँ पर आ जाएगा। परमित्रांक लिया हमने तो आगे वाले डिजिट पर एक अधिक है। जब भी हम परमित्रांक लेंगे तो उसे आगे वाले डिजिट पर एक अधिक का चिन्ह लग जाएगा और उसको वन काउंट करेंगे। अब जीरो में से क्या करेंगे वन और सिक्स सेवन माइनस करेंगे नहीं होगा तो क्या करेंगे सेवन का परमित्रण क्या है थ्री। अब थ्री को क्या करेंगे ऊपर जीरो में ऐड कर देंगे, जीरो और थ्री कितने हुए थ्री, यहाँ पर थ्री आ जाएगा। यहाँ भी हमने परमित्रण किया है तो क्या करेंगे यहाँ पर एक अधिक का चिन्ह लगाएंगे। वन और वन टू, अब फाइव से टू माइनस किए थ्री, तो इस तरह से ये सब हमको करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।